यूक्रेन की जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरव पहले दिन से एक अहम किरदार रहे। मारियुपोल की जंग में भी दावा किया जाता है कि चेचन लड़ाकों की मदद से ही रूसी सैनिक पूरे शहर पर कब्जा करने में कामयाब हुए। लेकिन अब चेचन कमांडर ने मॉस्को में जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। चेचन कमांडर का यह दावा है कि उन्होंने मारियुपोल का पूरा फ्यूचर प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान के तहत मारियुपोल में नई सरकार बनाने से लेकर इसके पूरे डिजाइन की डिटेल शामिल है। Мы воюем против НАТО, да, он. НАТО их вооружает, Запад, да, он. Их наемники там. И поэтому нашему государству, да, он. Да. А, нелегко. ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे खसम खास और सबसे भरोसेमंद में से एक चेचन कमांडर रमजान कादिरव है, जो रूस की राजधानी मॉस्को में बैठकर ये मान रहे हैं कि यूक्रेन की जंग उतनी भी आसान नहीं निकली जितना आसान रूस और बाकी दुनिया समझ रही थी। शुरुआत में अभियान में कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब हम 100% प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन 3 महीने के इस जंग में रूस यूक्रेन में अब तक गिनती के 3 प्रांत भी नहीं जीत पाया है। हाँ, मारियुपोल को उसने जीतने का दावा जरूर किया। मारियुपोल को लेकर यूक्रेन ने भी दुनिया के सामने अपनी हार कबूल की और उसी मारियुपोल की जीत का जश्न मनाने कादिरव चेचनिया से मॉस्को पहुंचे थे, क्योंकि कादिरव मानते हैं कि मारियुपोल की जंग में इनके चेचन लड़ाकों की अहम भूमिका थी। हम यूक्रेन को शैतानों से आजाद कराएंगे। हमारे 200 अतिरिक्त वॉलेंटियर चेचनिया से निकल चुके हैं ताकि वो यूक्रेन की जंग में शामिल हो सके। मारियुपोल पर कब्जे की जंग करीब 3 महीने तक चली और इस जंग में चेचन के लड़ाके युद्ध के शुरुआती दिनों से ही रूसी सेना के साथ मिलकर जंग लड़ते आ रहे हैं। अब जब मारियुपोल पर रूस का कब्जा मुकम्मल हो गया तो चेचन कमांडर इसका जमकर श्रेय ले रहे हैं। कादिरव ने ऐलान किया कि मारियुपोल को ग्रोजनी की तर्ज पर फिर खड़ा किया जाएगा। ग्रोजनी शहर चेचनिया की राजधानी है। चेचन युद्ध के दौरान रूसी हमले में ग्रोजनी शहर भी मारियुपोल की तरह खंडहर में तब्दील हो गया था। तब ग्रोजनी को दुनिया का सबसे तबाह हुआ शहर कहा गया था। चेचन कमांडर ने दावा किया कि मारियुपोल में ग्रोजनी की तरह ही विद्रोहियों के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया जाएगा, जिससे मारियुपोल को भी फायदा होगा और रूसी अस्मिता को भी। Особенно вот мы видим в Германии, руководитель Германии ведет себя как шизофреник, он ведет так, что даже я не понимаю, не как руководитель государства, ему не интересны мировые правила, и мы сегодня воюем не против Украины, против бандеровцев, мы воюем против НАТО, НАТО их вооружает, Запад вооружают их наемники там, и поэтому нашему государству нелегко. अब सवाल है कि मारियुपोल को लेकर पुतिन का अगला प्लान क्या है? क्या पुतिन मारियुपोल में रूस के संरक्षण में नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा दावा चेचन कमांडर कर रहे हैं, या फिर ये पुतिन की कोई युद्ध नीति है जिसमें मारियुपोल पर रूस के आधिकारिक बयान के बजाय चेचन कमांडर के जरिए अगले प्लान की डिटेल दुनिया के सामने रखी जा रही है। यूक्रेन में रूस के हमलों को लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं और अब तक इस युद्ध का कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया है। शुरुआती दिनों में माना यह जा रहा था कि यह युद्ध जो है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस युद्ध के लंबा खींचने से पुतिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले रूस के लोगों ने इस युद्ध के खिलाफ जमकर विरोध किया था और अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस यल्त्सिन ने भी पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है।
यूक्रेन पर हमला करके फंस गए पुतिन। रूस में ही अलग थलग पड़े पुतिन। रूस में युद्ध का विरोध। पुतिन के फैसले पर सवाल। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले अब सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। हमले के शुरुआती दिनों में रूस के कई नागरिक इन हमलों का विरोध करने सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने के पुतिन के फैसले को गलत भी बताया था, लेकिन पुतिन यूक्रेन को कुचल देने पर आमादा थे। उनकी इसी सनक को पूरा करने के लिए रूस की सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। खार्किव, मारियुपोल समेत यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए, जबकि लाखों लोगों को यूक्रेन से पलायन करके सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। लेकिन अब जब इस युद्ध को 3 महीने पूरे होने वाले हैं, तो अब ये खुद पुतिन के लिए सिरदर्द बन गया है। अपने ही जाल में फंसे पुतिन। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने उठाए सवाल। यूक्रेन पर हमले के बाद ये पहली बार है जब पुतिन दो तरफा घिर गए हैं। एक तरफ यूक्रेन की सेना युद्ध के क्षेत्र में रूसी सेना को जबरदस्त टक्कर दे रही है, तो दूसरी तरफ अब पुतिन के खिलाफ उठ रहे विरोध के सुरों ने भी उनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने भी पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के फैसले का विरोध किया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आशंका जताई कि पुतिन का ये फैसला रूस को विनाश के पथ पर ले जाएगा। यानी एक तरफ पुतिन युद्ध में मिल रही कड़ी टक्कर से निपटने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो अब दूसरी तरफ उनके विरोध में उठ रहे सुरों ने भी उनकी परेशानी बढ़ा दी है। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री के भी बगावती सुर। पुतिन के फैसले का किया विरोध। यूक्रेन में हमले का पुतिन का फैसला अब रूस में उनके लिए मुश्किल बढ़ाता जा रहा है। एक के बाद एक कई नेता उनके फैसले के विरोध में उतरते जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति के बाद रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कासियानोव ने भी पुतिन के फैसले का विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन का विश्वास डगमगा चुका है। उन्होंने आशंका जताई कि युद्ध के हालात पर रूस के जनरल भी पुतिन को गुमराह कर रहे हैं और इसी वजह से उनका विश्वास अब डगमगा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पुतिन पहले की तरह ताकत से नहीं बोल रहे और 9 मई को विजय दिवस के मौके पर भी सैन्य परेड में उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें वो थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। के लिए नाटो लगातार चाल चल रहा है। उसने रूस के दो पड़ोसी देशों स्वीडन और फिनलैंड को उसका दुश्मन बना दिया है। नाटो इन दोनों देशों के जरिए रूस की सुरक्षा को खोखला करने की प्लानिंग कर रहा है। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाकर रूस को उत्तर की तरफ से घेरने की तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि रूस को डर है कि उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा एक देश है। ऐसे में अगर नाटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है और इसी वजह से बाल्टिक सागर में रूस का आना जाना मुश्किल हो सकता है। और यही नहीं, इससे रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा और रूस इसी वजह से नहीं चाहता कि नाटो उसकी उत्तरी सीमा पर पहुंचे।
और रूस और यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन पूरे दमखम से रूस के हर वार का जवाब दे रहा है। इस बीच न्यूज एजेंसी की टीम यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर पहुंची, जहां से यूक्रेन की सेना के लिए खाना तैयार किया जाता है। हमारे सहयोगी जसप्रीत कौर ने यूक्रेन के इस सैन्य ठिकाने का जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। हम लोग उस जोन में मौजूद हैं जहां पर सैनिकों के लिए खाना बनाया जाता है। हम लोग किस इलाके में मौजूद हैं ये सुरक्षा कारणों से मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको हर तस्वीर दिखाऊंगी किस तरीके से न सिर्फ सैनिकों के लिए 24 घंटे खाना बनाया जाता है, बल्कि जो आसपास के गांव हैं जहां पर रूसी सैनिकों ने कब्जा किया था उसके बाद उनके पास राशन नहीं है, उन तक भी खाना पहुंचाया जाता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आलू पड़े हुए हैं, ये गोभी है। यहाँ का जो नेशनल फूड है वो बोर्श है, जिसमें गोभी आलू का इस्तेमाल होता है। ऐसे में काफी ज्यादा स्टॉक यहाँ पर रखा गया है। ये गाजर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इधर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर काफी मात्रा में ये आलू पड़ा हुआ है। आलू की यहाँ पर काफी पैदावार होती है, ऐसे में इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। और अगर हम पीछे आते हैं तो देखेंगे कि इधर ब्रेड पड़ी हुई है, यहाँ पर ब्रेड का स्टॉक है। सैनिकों के लिए यहाँ से खाना पहुंचाया जाता है और हर समय यहाँ पर लोग लगे रहते हैं खाना तैयार करने में। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सब्जियों को काटा जा रहा है, प्याज की कटिंग हो रही है, इसमें भी काफी लोग लगे हुए हैं और हर समय ताकि खाना कम ना पड़े, समय से खाना तैयार हो, इसकी तैयारी ये लोग रखते हैं। यहाँ पर काफी मात्रा में प्याज की कटिंग हो रही है और हाइजीन का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल रखा जाता है खाना बनाने में। अगर हम आगे आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े बर्तन जिसमें खाना बन के तैयार होता है। और ये सबसे अहम जगह है जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आलू है, अलग अलग कंटेनर्स में ये आलू रखा गया है और देखिए कि भिगो करके इसको रखा गया है, पहले इसको धोया जाता है, काफी ज्यादा स्टॉक रहता है। और ये है पोर्टेबल किचन, ये सबसे अहम है। बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इसमें सूप तैयार हो रहा है, ये हम देखेंगे। हर समय सूप तैयार होता रहता है और ये इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। करम आप इस तरफ आइए, हम देखें तो ये व्हील्स लगे हुए हैं। ये व्हील्स इसलिए लगे हैं ताकि अगर जाना पड़े और खाने को ले जाना पड़े तो दिक्कत ना हो, इसके साथ हम जा पाएं। और जो इसमें स्टाफ लगा हुआ है, बकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से वॉर जोन में सैनिकों के लिए खाना बनाना है, ये यहाँ पर तैयारी हो रही है। अगर हम इस तरफ आते हैं, ये हम देखें तो यहाँ पर ये सेब रखा हुआ है जो जूस के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो सब्जियां काटी जा रही थी वो रखी हुई हैं और इस तरीके से ये इनका खाना तैयार हो रहा है। ये बड़े बड़े बर्तनों में खाना तैयार हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो सैनिकों को दिक्कत ना हो, उनको हर समय अच्छा भोजन मिले, वो तंदुरुस्त रहे ताकि लड़ाई में उनको दिक्कत ना हो, इस तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है। अब हम उधर जाते हैं, जब खाना तैयार हो जाता है तो बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा जाता है। ये आलू जो इस कंटेनर में भरा जा रहा है, इसके अलावा इसमें हम देखते हैं ये सूप तैयार हो चुका है। इसमें हम देखते हैं कि क्या है, इसमें ये ओट्स रखे हुए हैं। और यहां पर अलग अलग तरह की जैम्स भी हैं, पीछे अगर हम देखेंगे स्टॉक पूरा किया हुआ है ताकि ब्रेड के साथ इनको खाया जा सके टेस्ट के हिसाब से। ये जैम्स हैं और ये बड़े बड़े कंटेनर्स में दिखाती हूँ, इसमें सूप भर करके भेजा जाता है, ये पूरी तैयारी की जाती है। यहाँ पर भी ब्रेड्स मौजूद हैं अलग अलग तरह की, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो ब्रेड काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है और इससे पेट भी भर जाता है, लंबे समय तक भूख भी आपको नहीं लगती है, सूप काफ़ी ज़्यादा पिया जाता है। और पीछे आप प्लस का साइन देख पा रहे होंगे, ये मेडिकल एड भी यहाँ पर पहुँचाई जाती है, मेडिकल रूम है अगर कोई दिक्कत हो तो, ताकि वहाँ पर इलाज भी मिल पाए। तो ये तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त मोहताज हो गए हैं दाने दाने को, उन तक खाना पहुँच सके, सही समय से पहुँच सके और सही खाना हो जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हों, इस बात का ख्याल ज़्यादा रखा जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। यूक्रेन के मैदान जंग में क्रूज से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है। बावजूद इसके ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है यूक्रेन को अमेरिका से मिल रहे वो हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इतनी लंबी जंग लड़
पा रही है और अब अमेरिका यूक्रेन को वो हथियार देने वाला है जिसके बाद काला सागर इलाके में रूसी नौसेना का जीना मुहाल हो जाएगा।